प्रदेश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का जनाधार पूरे देश भर के अंदर माना जाता है। इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर अकेले अपने दम पर लड़ने की तैयारी दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी शामिल है। बिहार के अंदर बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए बताया जा रहा है यह है कि यहाँ इंडिया गठबंधन में सबसे दावेदार या मजबूत जो टीम है वो इंडिया अलायंस की देखी जा रही है। यहीं पर इंडिया एयरलाइंस है, वो सबसे ज्यादा मजबूत या ताकतवर दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी के बीच किस तरीके का सामंजस्य या किस तरीके की तालमेल होगी। लेकिन इसके बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी बिहार इकाई ने इस वक्त की बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की सभी 40 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के अलायंस के बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि बसपा का हाथी सीधा चलता है, समाज के विकास के लिए पार्टी संकल्पित है। बिहार सरकार पर आक्रामक है। बक्सर में बीजेपी सांसद अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 5 साल विकास की योजना को गिना दे तो फिर बक्सर सांसद ने पूरा किया हो। बक्सर के साथ साथ बिहार की जनता को भाजपा ने और इंडिया गठबंधन ने ठगने का काम किया है। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी सभी 40 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार से आपको बता दें कि बक्सर सीट से तैयारी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार कर रहे हैं और अनिल कुमार के पार्टी में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी बिहार में काफ़ी तेजी से काम करिए प्रयास कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी बिहार में कितना प्रतिशत वोट है वो लेकर आती है।